हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। महामारी को लेकर लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अब लोगों को 19 दिन और अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब अगले 19 दिन घर में बैठकर क्या करेंगे, बोर तो नहीं हो जाएंगे, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने आपके मनोरंजन की तैयारी कर ली है। हम हर दिन आपके लिए एक से बढ़कर एक कलाकार, सिंगर, गीतकार लेकर आएंगे, जिनसे आप अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ जाने माने हरियाणवी सिंगर देव कुमार देवा हैं, जिन्हें आप टीवी के जरिए देखते हैं, हम टीवी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, और देवा साहब से बहुत सारी बातें करेंगे। देवा जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। भाई, आपको आवाज मिल रही है देवा जी? जी गौरव जी नमस्कार, और आपका और आपके मीडिया सेंटर हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत जी, बहुत मिल धन्यवाद। आवाज मिल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, आम आदमी तो घर में जो बैठा हुआ है उसको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, क्या स्टार्स को भी जो घर में जी बैठे हैं उनको काम करना पड़ रहा है? क्या वाइफ कह रही है कि हाँ जी खाना बनाना है, क्या मम्मी कह रही है हाँ घर के काम में हाथ बटा दे, स्टार होगा लेकिन अभी घर पे है तो घर का काम भी कर ले। जी घर वालों को पहली बार परिवार को ये लगा है कि देव कुमार देवा या कोई भी कलाकार तो जो घर के जितने भी काम हैं उन उनमें हाथ बटाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बोलिए बोलिए। देवा भाई, हम सुन पा रहे हैं, दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस जो लॉकडाउन का जो ये हमारा अभी और बढ़ा दिया गया है। जी, दिन का और बढ़ा दिया गया है, इससे आपको ये मुझे महसूस होता है कि जितने भी साथीगण हैं जो भारतवासी हैं, हरियाणा वासी हैं, उन सब क्योंकि उन सब के लिए बहुत बात है ये, और ये हमारे देश के हम देश में और जितने विश्व में देश है उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोरोना पर हम अपना ये कर पाएंगे। चलिए, लगता है कुछ लॉकडाउन टेक्निकल वाले फॉल्ट जितने है और देवा साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन हमारी टीम उस पर जल्दी से काम करेगी। और चलिए ठीक है, ऑडियो ठीक हो गई है, बताएं। बता दे, क्योंकि मुझे जो महसूस हो रहा है कि आवाज जी ठीक होता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना से अगर लड़ाई लड़नी है, अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें दूर दूर रह के डिस्टेंस ठीक है, आपके बहुत सारे फेवरेट गाने हैं और बहुत सारे आपके फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं। अब क्योंकि वो घर पे बैठे हैं तो कई बार होता है कि उनकी और ये बोरियत हो पहली जाती लड़ाई है, है तो कोई मुझे अच्छी सी तो अच्छा सा गीत अपना सुना दीजिए दर्शकों के लिए। मैंने अभी जोश के लिए और युवा जो पीढ़ी है उसको मजबूत करने के लिए एक मैं शहीद आजम भगत सिंह की लाइनें गाता हूं आज स्टेज के ऊपर, और इन लाइन के माध्यम से युवाओं को पालन सकते हैं, और युवा ही हमारा सबसे बड़ा आने वाला भविष्य है।
देश के ऊपर जान झोंक दे जवान साचा दे, जवान साचा दे। सा चाहिए हो जज्बा और जज्बात चाहिए, ये सर्द हवाएं जा टकराए ऊंची जा टकराए ऊंची ऊंची मीनारों जा टकराए सूखी सूखी दीवारों से, आए सुनी दीवारों से। और दोस्तों जितने भी देखते सब जवानों से साथियों से घर बैठे जितने सुनी के दीवारों से, लेकिन आसमां को भी हिला दे, आसमां को भी हिला दे साथ। देवा भाई आपको रोक रहे हैं, थोड़ी सी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है और हम उसको जल्दी ही फिक्स कर लेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपके फेवरेट कलाकार देव कुमार देवा से बात भी करेंगे और सुनेंगे भी कि क्या देव कुमार देवा को भी घर पे काम करना पड़ रहा है, क्या खाना बनाना पड़ रहा है, सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देव कुमार देवा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवा साहब, ये जो गाना हम सुन रहे हैं, ये गाना सुनकर घर वालों का क्या रिएक्शन था? गाना सुन के घर वालों का रिएक्शन, क्योंकि मेरे परिवार में जैसे रागनी कला, ये 20 साल पहले एक रागनी थी जिस रागनी को हमने नए वर्जन में लेके आए, मैंने और अनु काजान ने ये रागनी गाई और मेरे साथ सपना चौधरी ने एक्ट किया। कलाकार का एक पार्ट होता है कि उसको बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन एक मनोरंजन का साधन होता है। और उसको देखते हुए कि आदमी की इच्छा है, मॉडर्न जमाना है, उस जमाने को देखते हुए, और आज से 20 साल पहले ये रागनी लिखी गई थी। सिंह पुरिया हमारे बड़े भाई जो राइटर हैं, सिंगर हैं, कलाकार हैं, उन्होंने लिखी थी। और बहुत से स्टेजों पे बड़े बड़े कलाकारों ने, राजेंद्र खरकिया ने और अन्य कलाकारों ने इस रागनी को गाया। अब नए तरीके से हम लेके आए, तो हमारे परिवार में गांव देहात में ये रागनी बहुत ज्यादा सुनी गई थी, इसके ज्यादा वैसी प्रतिक्रिया तो नहीं रही। हाँ, कुछ एक लोगों ने, जो कि ऐसा तो होता है कि अच्छा करो या कैसा ही भी गाना कर लो, आप कैसी मूवी बना दो, उस पे भी क्रिटिक्स तो होते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन ये गाना हिट और सुपर हिट रहा। और इस गाने ने बड़ा मेरे जीवन में, आप जो अब हाल फिलहाल जो कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसमें भी मुझे ये गाना फेम दे रखा है। इस गाने को निकर निकर गाना जो है, ये मैं ये मानता हूँ कि संस्कृति से जुड़ा हुआ गाना है। कोई भी देसी बालक देसी उसको कर दे, भाई मन तो चाहिए ये बात बताई जो पानी क्या निकर निकर में, क्योंकि शहर में देखा है, गोवा देखा है, उसके बाद में मन में कोई चीज होती है, तो उसको राइटर ने लिखा, मैंने और बहुत से सिंगरों ने गाया। घर में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कि ऐसे गाने नहीं करने चाहिए, अच्छा गाना है। ठीक है, अच्छा, आपका सिर्फ ये गाना नहीं, बहुत सारे गाने आपके बहुत सुपर हिट हैं, लेकिन उन गानों की तरफ, फरमाइश की तरफ आगे बढ़े। शुरुआत में ऑडियो क्लियर नहीं थी, इसलिए वो सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या देव कुमार देवा जो एक स्टार है हरियाणा में, उनको घर में खाना बनाना पड़ रहा है छुट्टी में? अभी हाल फिलहाल खाना मैं सब्जी बना लेता हूँ। अच्छा, और पहले से शौक, क्योंकि पहले मैं पहलवानी करता था और उस टाइम पे तो सब्जी का जो पहलवान होते हैं उनका अपने आप सब्जी बनाना उनको पसंद होता है। तो अब फुर्सत के क्षण है, कोरोना का ही इसमें जो लॉकडाउन हुआ है, तो घर में ही रहते हैं, तो इसमें घर वालों का हाथ बटा लेते, तो एक आध बार सब्जी बना लेता हूँ। ठीक है, खाना बना लेते हैं, मतलब सब्जी कभी कभी बना लेते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं स्टार घर में इस वक्त जो है, और क्या करते हैं? लूडो खेलते हैं। और सबसे बड़ा काम ये है कि घर में मुझे अब पता चला कि महिलाएं जो है वो कितना बड़ा काम करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो घर के छोटे मोटे जितने काम है, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा, सब्जी बनाना, बर्तन साफ करना, किचन में जितने काम, उसके बाहर कपड़े मशीन, आजकल तो मशीन द्वारा धोए जा रहे हैं, तो
साफ किए जाते हैं, तो उसके अलावा सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को घर में अच्छे तरीके से रखना और उनकी उनकी उनका पालन पोषण। जो छोटे छोटे बच्चे, मेरे दो बच्चे हैं, एक 3 साल का लड़का है और 6 साल की लड़की है, तो वो आपस में लड़ते हैं। अब मेरी ड्यूटी ये इतनी हुई है कि सुबह 2 घंटे, शाम को 2-2.5 घंटे, जब तक वो सोते नहीं, अब वो अपनी माँ से दूर रहते, मेरे पास रहते, मैं उनको किस प्रकार करता हूँ, कभी बंदर बन के, कभी गाना गा के, तो कभी उनकी छोटी छोटी ये जो खिलौना टाइप कार होती है उनको चला के, नए खेल। तो बच्चों को संभालने का जो काम है वो बहुत जबरदस्त है। कभी मोबाइल पे गेम दिखाना, कभी घर में जो पुराने हम खेलते थे, जो पुराने खेल उन खेलों को उन बच्चों के साथ शेयर करना कि बेटा ऐसे खेलते थे, तो ये बड़ा काम है। मतलब रिश्तों की मिठास जो है और रिश्तों में जो मजबूती है वो और बढ़ रहा है इस लॉकडाउन में। और रिश्तों की बात कर रहे हैं तो आपको एक गाना आपका हम सुनना चाहेंगे, वो गाना है साली आजा अटरिया। वो जो है वो शायद 52 मिलियन व्यूज हैं उससे, या उससे ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो। वो तकरीबन 5-6 करोड़ व्यूज हो चुके हैं और वो एक हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, बाहरी दिल्ली, जहाँ के भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक जो अपना महिला संगीत होता है अपना गांव देहात का, उसमें आज भी वो गाना जबरदस्त तरीके से 2015 में गाना आया था और बहुत बड़ा मेरे इस करियर में मील का पत्थर साबित हुआ उस गाने। ये हमारा फोक है, बहुत पुराना फोक है। हमारी महिलाएं जो इस क्षेत्र की, जिसको हम हरियाणवी बेल्ट बोल लेते हैं या हमारी देहाती जो बोली है, इस बोली का जितना एरिया है वो नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे ये गीत बड़े समय से गाया जाता है शादियों में। अगर आप सुना दे हम हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन। ओ दिल्ली शहर की यादों चुनरिया, दिल्ली शहर की यादों चुनरिया, रे साली रे, ओ साली रे, पहले आजा अटरिया, ओ साली रे, पहले आजा अटरिया। ये 5-5 थाली है इसमें, हरियाणा की 5 बेहतरीन एक्ट्रेस इसमें काम कर रही हैं और एक साली का जो इच्छा होती है जीजा से, मतलब कोई मांग होती है उस मांग को, और हर साली की अलग अलग तरीके से मांग है। जयपुर शहर की दीवारों में जूती, जयपुर शहर की दीवारों में जूती, रह साली रे तेरी बेबे कचूती, रह साली रे तेरी बेबे कचूती। इस प्रकार का हर साली को चकमा देना है, हर साली को बहलाना है और फिर पुतली दिलाना, ये एक जीजा साली की अटखेलिया, ये इस प्रकार का गाना। अच्छा, मथुरा शहर के खवा दूंगा पेड़, मथुरा शहर के खवा दूंगा पेड़, गाली रे ओ गाली रे कद मार दे ने गेड़े, ओ गाली रे कद मार दे ने गेड़े, बरेली के तन जवा दूंगा झूम के, बरेली के तेर जवा दूंगा झूम के, रे साली रे, ठीक है देवा भाई, एक बात बताइए कि ये तो स्क्रीन पे बात हो गई, रियल लाइफ में कितनी सालियां हैं आपकी और क्या उनको भी ऐसे ही बहलाते फुसलाते रहते हैं, दिलाते कुछ नहीं आप? देखिए वैसे मेरी रियल लाइफ में 2-3-4 इतनी सालियां हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने वहां जो या अपने ससुराल बोलते हैं, ससुराल में बहुत कम जाता हूँ और मेरी जो साड़ियां हैं वो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया देवा भाई, आपके पास लौटेंगे हम। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई एक आर्टिस्ट जो होता है, एक कलाकार जो होता है, जो स्टार होता है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, ये एक बहुत, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी है। देव कुमार देवा अगर अपनी 5 सालियों को किसी गाने में
उनसे बातें कर रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सिर्फ गोली दे रहे हैं, तो रियल लाइफ में क्या करते हैं देव कुमार देवा अपनी सालियों के साथ? क्या वहां भी सिर्फ का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था? अब बताइए कि क्या रियल लाइफ में आप अपनी सालियों को गिफ्ट देते हैं या वहां भी सिर्फ बातों से काम चला लेते हैं? नहीं, क्या होता है आज तक रियल लाइफ में बहुत कम ही जीजा होंगे जो सालियों को अच्छा गिफ्ट दे दें। अच्छा, मैं सच के साथ हूँ। बस वो है, वहां भी थोड़ा सा इधर उधर करके मामला वो हो जाता है। वैसे मैं आठ नौ साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और अभी एक साल पहले जो मेरी सालिया थी उनकी भी शादी हो गई है। तो जाते थे तो वो बहुत अच्छे से पानी डालना गाड़ी में बैठने से पहले, क्योंकि ये पानी से भिगो देना, ये परंपराएं जो हरियाणा नॉर्थ इंडिया की ये बड़ी अच्छी होती हैं। एक दूसरे पर बोली मारना, बोली के बोली और ताने जिनको बोलते हैं, बोली ताने शुरू करना, या जीजाइयो इबकाने में लियाइयो, और तो वो लियाइयो की जगह बड़ी चीज मांगो छोटी दे दो, खुशी हो जाएगी। ठीक है, कुछ तो मतलब काम चला लेते हैं किसी तरह से, मीठी मीठी बातों से। गिफ्ट बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक, ज्यादा गिफ्ट देना भी नहीं चाहिए, अच्छा, नुकसान होगा, घर में भी रोड़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। अच्छा ठीक है, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन है तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे आपके भी जिनसे कई बार हम अपने बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से कांटेक्ट टूट जाता है, तो क्या ऐसे दोस्त आप भी उनको भी फोन कर रहे हैं, वो भी आपको फोन कर रहे हैं, बचपन के यार दोस्त जो छूट जाते हैं इस भागदौड़ में? लॉकडाउन की वजह से टाइम है तो बातें कर लो। चलो फिर यार हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर से बचपन की वो यादें ताजा कर लेते हैं। अब ऐसे साथी जिनसे बहुत कम बात हो पाती थी और बहुत प्रिय मित्र थे, वो अब हाल फिलहाल में फोन करते हैं, और फोन करके उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बात होती है। बोला देवा फुर्सत होगी भाई, भगवान से यह प्रार्थना है कि सारे कोरोना वाले जितने भी मरीज हैं वो ठीक हो जाए, और कोरोना भारत का हार गया, और जो लॉकडाउन तो साल में 10 दिन लगना ही चाहिए, अब भी जितने भी बीजी साथी हैं उनसे मेल मिलाप हो जाए। और दूसरी बात, ये प्रदूषण रहित अपना ये जो वातावरण हो गया, इससे मैं एक आपको बताऊं कि एक हमारे वहां पे किसी को चरम रोग था और बहुत ज्यादा उसको दवाइयां दिला दी थी, लेकिन जब से ये प्रदूषण रहित ये वातावरण हुआ है, मौसम साफ हुआ है, गिरावट आई है प्रदूषण के उसमें, तो वहां वो जो चरम रोग वाला रोगी था वो भी ठीक हो गया अच्छे तरीके से साफ, पहले पूरा काला पड़ चुका था। तो हमारे को इस महामारी से बचना है, लॉकडाउन का पालन भी करना है, इसके साथ साथ इससे एक फायदा भी हो रहा है कि जो पुराने रिश्ते थे, भाईचारा था, आपस में मेल मिलाप था, वो सब मिल भी रहे हैं गांव में शहरों में, उन लोगों को फोन से हम कनेक्ट होके हम जिनसे बात ही नहीं कर पाते थे उनसे बात कर रहे हैं, और वातावरण साफ होने के कारण हमारी नदियां, हमारा मौसम, हमारे यहाँ का सब कुछ, हमारे श्वास में हर जगह ये मान के चलिए इसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन ये बड़ी महामारी है, जितने भी दोस्त मुझे हरियाणा न्यूज के ऊपर देख रहे हैं गौरव पांडे जी के साथ, उन सब से प्रार्थना है, और बाद में भी इस चैनल के ऊपर मुझे देखे तो आप सब से प्रार्थना है कि जितने भी नियम विशेषज्ञों ने दिए हैं, डॉक्टरों ने दिए हैं, उनका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, मजबूती से आप लोग खड़े रहेंगे। इसी पर मैं एक गाना, वैसे गाना नहीं चाहिए क्योंकि हुक्के से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरा हुक्का गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जितने भी साथी हैं उनके लिए अभी, क्योंकि वैसे तो महबूबा के लिए है, वो प्यार के लिए है, लेकिन आज उन साथियों के लिए है, जब मैं अकेला होता हूँ तो आप लोगों को इस प्रकार याद कर लेता हूँ। खेच के मारा दम या चलने की चलम, जो गम न कम कर लिया, जब भी थारी याद आई यारो हुक्का भर लिया,
ये हुक्का है, जब भी थारी याद आई यारो हुक्का भर ली। लेकिन भरियो मचना, हुक्के से भी दूर रहो, अगर हुक्का होगा तो उसके पास चार पांच साथी और आऊंगे, चार पांच साथी ही, क्योंकि ये मिलने से एक दूसरे के साथ बैठने से ये बीमारी फैल रही है, इससे बचने के। मैं ये मानता हूं कि ये पहला युद्ध है जो कि बगैर सेना और बगैर इकट्ठे अकेले अकेले लड़ना है ये युद्ध। अच्छा देवा भाई, आपने हुक्के का जिक्र किया, दोस्तों का जिक्र किया, तो उसमें एक गाना आपका और है, क्योंकि अभी बीच में एक डिबेट चल रही थी कि भाई ठेके लॉकडाउन में खोल देने चाहिए कि नहीं खोल देने चाहिए, उस पर डिबेट चलती रहती है, खबरें आती रहती हैं। चार पेग सॉन्ग है आपका एक, क्योंकि आपके दोस्त भी देख रहे हैं हरियाणा में और लोग भी देख रहे हैं, जरा वो सुना दीजिए। चार पेग सॉन्ग जो है वो बहुत ही खतरनाक सॉन्ग है, उस सॉन्ग को आप कितने भी साथी हो उनको मैं कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको लाडली सॉन्ग सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सपना चौधरी ने मेरे साथ उसमें काम किया है और वो बड़ा हिट गाना रहा है। राम की सो छोरी मन दो घूट मार ली, राम की सो छोरी मन दो घूट मार ली, ये पछ भेरण मन लग घणी लाडली, अभी ये पछ भेरण मन लग घणी लाडली। ये गाना बड़ा हिट रहा 2016 का, जो मेन टॉप 10 गाने थे उन गाने में था, इसमें सपना चौधरी ने मेरे साथ काम किया जबरदस्त तरीके से। और मैं कोशिश करता हूँ कि चार पैग आपके बीच में लेके आऊंगा। उससे पहले मैं एक रचना और लिखी है, एक सैड रचना है, क्योंकि इस समय में वो सैड भी सुनना चाहिए। जी जी बिल्कुल सुनाइए, ये जरूरी है। ओ सुन के बोल तेरे मीठे मीठे, मेरे जी में जी आ गया, इतने दिना के बाद रबरण चुकर मेरा राह पा गया, चुकर मेरा राह पा गया, सुन के बोल तेरे मीठे मीठे, मेरे जी में जी आ गया, इतने दिना के बाद रबरण चुकर मेरा राह पा गया, चुकर मेरा राह पा गया, किसे तेन दी याद तेरी ना दिल ते जाया करती, हवा के झोंके जला तेरी आहट आया करती, हवा के झोंके जला तेरी आहट आया करती, सोया था जो भाग मेरा आज दोबारा जागा, इतने दिना के बाद रबरण चुकर मेरा राह पा गया, चुकर मेरा राह पा गया, तू कया कर कि सात जन्म ना छोड़ू साथ तेरा, भूल गई दूर गई ना आया कदे ख्याल मेरा, अजम बेतार लटका जीवन जीव किनारा क्या गया, इतने दिना के बाद रबरण चुकर मेरा राह पा गया, चुकर मेरा राह पा गया, हर पल अपने आप से मैं तेरी बात करा करता, तेरी याद ते मेरी आँखों में पानी यो भरा करता, सोना फैसला करया रिया होवन अंधेरा ला गया, इतने दिना के बाद रबरण चुकर मेरा राह पा गया, चुकर मेरा राह पा गया। वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे जो घरों पर बैठे हैं दर्शक, उनको इस वक्त यही चाहिए कि वो अपने जो स्टार्स हैं जिनको देख रहे हैं उनसे मनोरंजन चाहिए, और हरियाणा न्यूज की यही कोशिश है। अब वो एक चार पेग वाला गाना, उसकी बहुत फरमाइश आ रही है। बाजन दो डीजे और थलकन दो जाम, बाजन दो डीजे और थलकन दो जाम, चार पेग प्यादो ने बरन के नाम, चार पेग प्यादो ने बरन के नाम, बाजन दो डीजे और छलकन दो गा, बाजन दो डीजे और छलकन दो जा,
चार पैग प्यादों ने बैरन के नाम, चार पैग प्यादों ने बैरन के नाम, बाजन दो डीजे और छलकन दो जाम, चार पैग प्यादों ने गुण साथ से बाजन दो डीजे और छलकन दो जाम, चार पैग प्यादों ने बैरन के नाम। ये गाना जो है इस गाने को उसी की याद में बनाया और उसी को हम कौन थी वो पता नहीं, लेकिन मैं भी देख रही होंगी शो, सोच समझ के बोलिएगा। नहीं सोच समझ के, भाभी जी देख रही हैं, उसी की याद में बनाया। अच्छा भाभी की याद। एक साल तक हम मिले, एक साल बाद हमारी शादी हुई, उस बीच में ये लिखा गया और फिर उसके बाद उन्हीं से शादी होगी। अच्छा मतलब ठीक है। पाया ना भेद उसका थुलसा से गाम, पाया ना भेद उसका थुलसा से गाम, चार पैग प्यादों ने बैरन के नाम, चार पैग प्यादों ने बैरन के नाम। बहुत बढ़िया। अच्छा देवा भाई एक बात बताइए कि एक स्टार जब घर में होता है और फुर्सत में होता है, यूजुअली ऐसे तो बहुत कम फुर्सत मिल पाती हो, शूट्स, गाना, डबिंग, बहुत तरह की चीजें होती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है, लेकिन जब अभी फ्री टाइम मिल रहा है तो घर में क्या खाने की चीजें बहुत पसंद है आपको, क्या पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, जो फरमाइश करते हैं कि ये खिला दो भाई? आप कभी भी, आपका मेरे घर विजिट होगा कभी भी तो मेरे घर में आप पूछोगे तो मेरी मिसिज आपको ये बताएगी कि वो चूरमा खाती है। अच्छा। क्योंकि कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ तो चूरमा मेरा फर्स्ट वो है, क्योंकि मेरे प्रेम है खाने में, जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ वो चूरमा है। इसके अलावा मैं अभी हाल फिलहाल देसी में आपने सुना गया राबड़ी भी है, राबड़ी। जी जी बिल्कुल। और अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो राबड़ी शुरू कर देंगे, राबड़ी भी जरूरी है क्योंकि हम बादाम में और चीजें लें वो तो लेनी जरूरी है सेहत को अच्छे तरीके से रखने के लिए, लेकिन राबड़ी भी एक औषधि है। अगर आप राबड़ी के गुणों के ऊपर जाएंगे तो वो एक औषधि है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आदमी के दिमाग को रिलैक्स करती है, क्योंकि इसको इसके पीने के बाद इसमें एक अजीब नशा होता है जिससे आदमी को चपकी आती है, नींद आती है, और ये हमारे आयुर्वेद ने बताया है कि 15-20 मिनट का, जो ज्यादा बिजी शेड्यूल हो तो 15 मिनट की एक नींद की झपकी लेनी जरूरी है, और उसमें कोई भी दुनिया नींद की गोलियां खा ले और कुछ कर ले जो टेंशन में होते हैं, और भारत में या पूरे दुनिया में आज ऐसी भागदौड़ है, मैं उससे आगे, इस भागदौड़ में लोग बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम जो देशी देहात के आदमी हैं उस डिप्रेशन को बाहर कर देते, ना गोली लेने की जरूरत, ना शराब पीने की जरूरत, ना कोई और अन्य नशा करने की जरूरत, केवल मात्र अच्छा सा बड़ा सा कटोरा लो और अच्छे तरीके से राबड़ी को मिक्स करके उसमें लस्सी वगैरह डाल के और पी जाओ, पीते ही आपको हर जो दुविधा है दिमाग के अंदर जो जितनी ऐप खुल रही है, क्योंकि मोबाइल भी जब हैंग हो जाता है ज्यादा ऐप खोल दी जाती है, तो दिमाग के अंदर ज्यादा ऐप खुली है तो इंसान ऐप बंद करने के लिए रबड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है इसलिए जल्दी से चाहेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा दो गाने आपके जो हैं वो सुना दीजिए। एक तो ये देवर स्मार्ट करके एक गाना है आपका, और उसके बाद आपका ऑल टाइम फेवरेट आपका अपना गाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, दोनों सुना दीजिए। जी आपको, आप देवर समाट की बजाय मैं आपके, क्योंकि आप वहां से देवर समाट अभी रिलीज हुआ है, मैं गाम बोलने से गाना एक बहुत प्यारा गाना है उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। ये गाना एक ऐसा गाना है जिस गाने को आप ये मान के चलिए कि जितने भी ओल्ड आपके दर्शक दिख रहे हैं मैं वो गाना गाऊंगा तो टीवी के सामने उसको साथ में उन लाइनों को गाए, मैं बहुत ज्यादा स्टेज पे इस गाने को करता हूँ। और तेरे हुसन का जादू सरे आम बोलते, तेरे हुसन का जादू सरे आम बोलते, हुसन का जादू सरे आम बोलते, मैं एकला नहीं कह रहा पूरा गाम बोलते, मैं एकला नहीं कह रहा पूरा गाम बोलते। ये वो गाना है जो कि
मैं हर स्टेज पे करता हूँ जबरदस्त तरीके से, और एक मैं ऑल टाइम स्टेज के ऊपर करता हूँ, ओ हरियाणा का छोरा चूं मैं धूमे ठा दूंगा, हरियाणा का छोरा चूं मैं धूमे ठा दूंगा, रे एक बार मीठी बोल तेरे का के कटवा दूंगा, एक बार मीठी बोल तेरे का के कटवा दूंगा। ये लाइव के गाने हैं। आगे क्या कहता है, ओ भूल जागी तीजा पर गर मिलने दूध मलाई, खान पीन की मौज मारे चंदे रोज कढ़ाई, अरे खान पीन की मौज मारे चंदे रोज कढ़ाई, देसी खाने देसी हलवे खूब खवा दूंगा, देसी खाने देसी हलवे खूब खवा दूंगा, एक बार मीठी बोल तेरे का केक कटवा दूंगा। मीठी बोली पे ही पूरी दुनिया टिकी है और सारे रिश्ते टिके हुए हैं। देवा भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हरियाणा न्यूज के दर्शकों को, बहुत इंटरटेन किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन का पालन आप भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आप बातें सुनकर हमारे दर्शक जो हैं वो भी लॉकडाउन का पालन करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ना चाहिए।